बहन आप सब कैसे हो? करते हैं आप सब अच्छे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बालकनी में आई हूँ। बालकनी में ऐसा मौसम, मेरा बारिश आने जैसा हो रहा है, बारिश आएगी ये लग रहा है। पीछे बाबू की मस्ती सुन रही। क्या कर रहे हो बाबू? मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। बाबू ने बिस्तर वगैरह सारा बिखेर दिया फिर से। ये स्वीटी स्कूल से आ गई। स्वीटी स्कूल गई थी। स्वीटी बोलो हाय। इसके एग्जाम चल रहे तो उसकी तैयारी चल रही है। हाँ जी, आप भी आई करो। अच्छा करो, हाय। ये स्कूल जाके आ गई है। आते ही इसको नाश्ता वास्ता करा के स्टडी करने के लिए बिठा दिया। इसके एग्ज़ाम है ना, तो हम रोज फिर दिन में सो जाएगी, तो मैंने कहा थोड़ी देर पढ़े कर ले। ये स्वीटी को लंच में मैंने सेवैयों की खिचड़ी दी थी मैंने, ये थोड़ी सी बच गई है। और जल्दी छुट्टी हो जाती है उसके, 11 बजे हो जाती है उसकी छुट्टी। इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है। ये सारा काम हो गया, अब बस रोटी बनानी है। और इधर ये सब्जी बनाने के लिए रख रखी मैंने, बन गई अब। ये पालक पनीर बनाया मैंने, लग रही है। सबको पालक पनीर बहुत पसंद है, मैं पालक पनीर ही बनाती हूँ अधिकतर। ये सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, सारा क्लीन हो गया। ये बाबू बाहर खेलने के लिए सैंडल पहन रहा है ना बाबू। खुशी दीक्षा खेलोगे? खुशी दी तो मुझे दिख ही नहीं दी है। ये इधर से स्वीटी की साइकिल रखी है ये, और ये रूम के सामने क्लीन सफाई करने वाले भैया आते हैं, वही करके जाते हैं, मैं नहीं करती हूँ। सारी यहाँ से लेके वहाँ तक, ये ए ब्लॉक से लेके बी ब्लॉक तक बहुत ज़्यादा लंबा है। और रूम के सामने इतनी जगह खेलने के लिए, बच्चों के लिए पार्क नहीं भी जाएंगे तो भी ऊपर खेल सकते हैं, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, बाबू बाइक चला सकता है। पर मैं इसी नीचे लेके जाती हूँ इनको, वरना काफ़ी जगह ऊपर ए ब्लॉक से लेके बी ब्लॉक तक घूम सकता है बाबू। यहाँ से वहाँ तक सामने दिख रहा ना लंबा, वहाँ पे वहाँ तक बी ब्लॉक है, ये ऊपर भी खेल सकता है। पर मैं नीचे में इसी घुमाने के लिए लेके जाती हूँ नाइट में। यहाँ सारे बच्चे ये खेलते हैं। चलो चलो चलो, खुशी दीदी स्कूल गई होगी ना? किसका हैप्पी बर्थडे में जाएगी दीदी? अभी बाबू के पास मत जाना, मैं डैडी के पास खाना खा रहा हूँ, ठीक है? मैं सब खा लेना, भूलनी है। ये इधर स्वीटी रोटी खा रही है। ये सब्जी आपको दिखाई थी मैंने, पनीर की, पनीर और इस रोटी ली है इसने। चलो शुरू करो। बोलो मम्मा थैंक यू।
थैंक यू बोलो। स्वीटी मैं झूठ बोल रही हूँ, तो चलो मेरे साथ और फिर वो सब अपनी पकी फसल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुछ करना है पापा, आप वो अंधेरे ही कुकू को साथ लेकर सो के उठने के बाद बच्चों को दूध दिया है, सो गई थी थोड़ी देर के लिए और इनको दूध दिया है बच्चों को। मैं भी अपनी चाय बना के लाई हूँ, ये रही मेरी चाय। तो बालकनी में आई थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद चाय पी के सोती हूँ थोड़ी देर के लिए, पढ़ाई करूँगी मैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी करानी है। चाय पी के थोड़ी देर इसको पढ़ाई करा लेती हूँ, फिर वापस खाना वाना बनाना हो, काम करना। क्यों मस्ती कर रहे हो बाबू आप? बाबू आज दिन में सोए ही नहीं, कोई दिन से मस्ती कर, स्वीटी और मैं सो गए थे। मम्मा डैडी बोल रहे थे। अच्छा, इसने फोन मोबाइल देख रहा था इसके डैडी के पास सो के। स्कूल के सामान लेके स्वीटी की बुक्स बॉक्स वगैरह पेंसिल वगैरह सब लेके मेरे पास आके छिप के बैठ गए स्वीटी पकड़ना ले। अब वो दीदी का क्यों ले रखा आपने? दीदी अभी पिटाई करेगी ना, दीदी अभी पिटाई करेगी ना, दीदी पिटाई करेगी। हाँ, स्वीटी बुक्स लेके आओ आपकी, दीदी पिटाई करेगी ना अभी। हाँ क्या क्या बोल रहे स्वीटी? क्या बोल रहे हैं? इसके भी पता नहीं, ये इसके नीचे सिर्फ दाना हो गया, इसके पिंपल्स हो गया, पता नहीं ऐसा निशान बन गया इसके इसके ऊपर क्यूट से फेस के ऊपर निशान बन गया है, ब्लैक ब्लैक सा है स्वीटी। सो के उठी है, थोड़ा फ्रेश भी है, हम दोनों सो गए थे, हम दोनों सो के अभी उठे, इसलिए थोड़ा ये नहीं सोए ये शेता स्वीटी को बहुत ज़्यादा इसने परेशान कर रखा है। इसको थोड़ी देर के लिए नीचे घूमने के लिए लेके जाएंगे तो उसकी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई नहीं करने दे रहा। जैसे उसको पीठ के ऊपर चढ़ना या बुक लेके भग रहा है कि पता नहीं क्या क्या कर रहा है किसी जगह। मैंने सोचा दिन में ज़्यादा हेवी खा लिया था खाना, चलो चलो एक सेकेंड एक सकता हूँ एक सेकेंड। चलो चलो, दिन में हेवी खा लिया था पालक पनीर और रोटी खा ली, तो अभी इतनी भूख नहीं, तो अभी मैं हल्का बिरयानी बनाऊंगी। तो बिरयानी तो जल्दी बन जाती है, तो मैं चावल वगैरह सारा भिगो दिए और सारा मसाला वगैरह सब रेडी करके नीचे जा रही हूँ। तो थोड़ी देर घूमेंगे जितने घूम घूम के लेके आ जाऊँगे, मैं जल्दी भी सोएगा या दिन में सोए नहीं था, और उसके एग्ज़ाम आ गए थोड़ा, उसके एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है टेंशन वैसे वैसे बढ़ रही। 22 से एग्ज़ाम है, तो उसको मैं कहीं ट्यूशन भी नहीं भेजती हूँ, मैं खुद पढ़ा देती हूँ उसको। अभी मैंने कहा छोटी क्लास में जितने मैं ही पढ़ा दूँगी उसका क्या, तो इसको सुना के मैं उसको थोड़ी देर पढ़ाई करा देती हूँ, फिर उसको भी सुना देती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे फ्लैट में जाने उतनी ज़्यादा टेंशन जा रही है, क्योंकि आज 19 हो गई है और 30 तक जाना है, स्कूल का ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, ना ही उसके वहाँ से कोई वैन मिल रही है, वहाँ से स्कूल की कोई वैन नहीं आती। बाबू सिस्टम मत करो बाबू, डॉगी काट लेगा, पीछे घूम रहा है ना, ना ही कोई उसकी स्कूल की वैन आती है वहाँ से। सर वहाँ से ट्राई किया तो उस वहाँ से भी ट्राई किया, यहाँ से स्कूल में जाके भी ट्राई किया था। अब इधर
तो कोई वैन वगैरह नहीं आती है, पता नहीं क्या करेंगे। राजनगर वगैरह गाजियाबाद से आती है, काफ़ी वैन आती है, राजनगर से नहीं आती है, पर उधर से नहीं आती, जहाँ से हम रहते हैं बाहर सिटी वगैरह रहते हैं तो वहाँ से नहीं आती है, तो वो भी टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, आज मैंने कहा चलो आज तो बनाते हैं। कितनी हवा, अच्छी हवा चल रही थी, कितना प्यारी ग्रीन ग्रीन सा लगता है, ग्रीन ग्रीन किसको अच्छा लगता है। इधर पता नहीं कुछ काम वगैरह कुछ चल रहा है इस तरफ, क्या बेटा बाबू कितना खुश हो रहा है इन बच्चों को देख के। ये जो सामने ये वाला दिख रहा है आपको सही से बताती, ये वाला ये जितना भी दिख रहा है ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे है ना जैसे किसी का बर्थडे हो या शादी पार्टी कुछ भी हो इसी हॉल के अंदर होती, जो भी स्टाफ क्वार्टर के जो भी होता है ना वो सारे फंक्शन इसी के अंदर होते हैं, यहाँ शादी भी हो जाती है, बहुत बड़ा है अंदर से, इसमें शादी वगैरह किसी की करनी हो, बर्थडे वगैरह किसी करना हो तो इसी में करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा देखा कर, अच्छे खेल रहे हैं इधर। मामू आप गिर जाओगे, भैया के साथ खेलो आप इधर, ये बहुत बड़ा है अंदर से, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको मैं, इधर इधर ये चारों तरफ उस तरफ है, ये गेट खुल भी खुल जाएगा, इसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, अभी लाइटिंग वगैरह बंद कर रखी है, और सामने जो है सामने वो सेंटर पार्क है, तो उसमें किसी को फुटबॉल वगैरह खेलना हो या घूमना हो तो घूम लेते हैं, इस पार्क में आपको लेके नहीं आएगा कभी, मैं कभी टाइम मिलेगा तो लेके आऊँगी, तो बच्चों के लिए वो पार्क ही लेके आती हूँ मैं, उस वाले पार्क में बच्चे। ये है ये हमारे मेट्रो स्टाफ वालों के लिए ये लगा रखी, मिल्क वगैरह कुछ भी पनीर वगैरह कुछ भी लेना हो शॉप लगा रखी, फ्लैट के अंदर वाले सब ले सकते हैं। और एक ये गेट बना हुआ अभी तक ये खुला नहीं है, नया बना है, जहाँ से हम एंट्री करते हैं उधर वाला खोल रखा है, ये वाला खोल नहीं रखा है, ये वाली मिल्क शॉप है सामने इधर। स्वीटी कौन बाबू का भी आइसक्रीम वगैरह भी लेनी हो यहीं पे आते हैं, इसी शॉप पे आते हैं, आपको अंदर से सही नहीं दिख रही होगी, आइसक्रीम चाहिए, आप वापस आएंगे ना थोड़ी देर में, मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा ये इधर का भी थोड़ा घुमा देती हूँ, इधर आपको कभी लेके नहीं आई हूँ, और इस पार्क में भी लेके जाती हूँ, इस पार्क में आपको कभी लेके नहीं आई हूँ, इसमें भैया लोग वगैरह फुटबॉल वगैरह वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा घूम के आ जाते, इसमें बच्चों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह उस वाले पार्क में, तो इधर मैं कम आती हूँ। गणेश चतुर्थी के सारे फंक्शन हुए थे इसी में हुए थे। चल बाबू इधर आ जा, इस वाले पार्क में लेके चलती हूँ आपको मैं, इस वाले में कम आती हूँ, बहुत कम आती हूँ, चलो क्या आ रहे हैं वापस, फिर से अंदर घूम के आते हैं ना, बाबू को इसमें आना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें झूले वगैरह नहीं है। काफ़ी बड़ा है ये जो फंक्शन होता है, खाना वाना कुछ खाते हैं इसी पार्क के अंदर आके खाते हैं सारे, सामने वो जो बनी है जो मेट्रो की वो बनी, मेट्रो जाती है ना वो वाली पटरी वगैरह बनी हुई, चलो 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 गिर मत जाना आराम से बाबू, ये हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है, ये सामने बता रही हूँ मैं आपको, ये वाला ए ब्लॉक बी ब्लॉक है, और ये वाला है ना सी ब्लॉक और डी ब्लॉक है, और जो बीच में जो
पेड़ वगैरह है उसके पीछे जो दिख रहे हैं आपको सही से दिख नहीं रहे होंगे, जो ये पीछे सामने सामने पीछे दिख रहे हैं वो है ना ई ब्लॉक है वो सामने, और ये सी और डी ब्लॉक है और ये ए और बी ब्लॉक है, इसमें हम रहते हैं। मैंने सोचा आज टाइम मिल गया तो आज दिखाती हूँ। पापा आ जाओ, इसके अंदर गणेश चतुर्वेदी पे विसर्जन किया था, अभी इसमें कुछ काम चल रहा है इसके अंदर, तो इसमें कुछ डाल रखा है पत्थर वगैरह डाल के इसमें काम चालू करवा रखा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। ये सामने जो ये प्लांट लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ये पेड़ वगैरह ये लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कितने प्यारे लग रहे हैं। ये शायद एक वीडियो पहले मैं बता रखा, मैंने सही से नहीं दिखाया था उस टाइम, नाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने सोचा आज टाइम है बाबू को भी थोड़ा। क्या है कितने प्यारे लग रहे हैं प्लांट, पूरा घुमा दिया है आपको मैंने, ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक दिखा दिया है, वो उसके पीछे जस्ट है वो सी ब्लॉक डी ब्लॉक, वो सामने वो उसमें फंक्शन वगैरह होते हैं वो वाला, और उधर ई ब्लॉक भी दिखा दिया आपको मैंने। काफ़ी बड़ा है घूमने के लिए, अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो बाबू, ये मच्छर काट रहे मेरे को। बाबू क्या है वो, क्या है उधर बेटा, हाँ बाबू क्या बता रहा है, हाँ आप तो क्या बोलते हो नाके नाके, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता बेटा। अच्छा चलो, बाबू को उस पार्क में अच्छा नहीं लगता, अब उस पार्क में लेके जा रहा है मुझे, चलो फर्स्ट फर्स्ट चलो, ये आपकी नहीं, आपकी नहीं बेटा, चलो बच्चे इसी पार्क में ज़्यादा खेलते हैं, तो बाबू यार वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता है, आ जाओ सर्दी के लिए वो पार्क ज़्यादा बेस्ट है, कि धूप वगैरह लेने के लिए। नीचे देख के चलो बाबू, ये देखो आंटी लोग अंकल लोग कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं इस एज में भी, कि अपने आप को फिट रखने के लिए कितना वो करते हैं। कितना अंधेरा हो गया है, अब घूम लिया है, अब खाना बनाते घर जाके, और स्वीटी को नेक्स्ट लेसन दूंगी, सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस बना के आई, मैंने कहा आप कर लेना जितने, मैं इसको घुमा के लेके आ जाती हूँ, ये करने देगा नहीं, उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, अब जाके थोड़ा वो उसको सिलेबस बना के सिलेबस बना के दूँगी जितने वो खेल लेगी, फिर मैं सिलेबस बनाने के बाद खाना बना लूँगी, बिरयानी बनाऊँगी आपको बता ही था मैंने। देखो गाइस मम्मा मेरे सिलेबस बना रही है, अजय बाबू बाइक चला रहे हैं। सब एक ही प्लेट में टूट पड़े हैं बाबू। बाबू कैसा है, खाना बना दिया, सब एक ही प्लेट में खा रहे हैं, ये खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। अब किचन में से रूम में आ गई हूँ, सबने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, सबको खिला दिया है, इधर स्वीटी को दूध दे रखा है, दूध पी रही है, फिर इसको सुला देती हूँ सब, और इस वीडियो का भी यही एंड करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, ओके बाय।